एंडिंग गेमर्स मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं एंडिंग गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको अभी इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। नॉर्मली मैं कहता भी रहता हूं कि कई यूट्यूबर्स होते हैं जो एक वीडियो देख के या ब्लॉग पढ़ के ही दोबारा यूट्यूब वीडियो बना देते हैं, और अगर आपको भी यूट्यूबर बनना है तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम भी जनरेट होती है। कई बार क्या होता है, जो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वही रिपीट होती रहती है। 2016-17 में अगर कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई प्रोडक्ट था जो बेकार था, हो सकता है वो 2020 में जाके अच्छा हो गया हो, इन्फॉर्मेशन बदल गई हो। तो कई बार ये चीजें तभी पता चलती हैं जब आप चीजों को इस्तेमाल करो। तो मैंने किया टीवी इस्तेमाल एज अ मॉनिटर, तो मुझे कई चीजें पता चली जो इनके बारे में बुरी बात कही जाती थी वो क्या सही में बुरी हैं, और क्या आप एक 55 इंच जैसे बड़े टीवी को, सस्ते बड़े टीवी को एज अ गेमिंग मॉनिटर यूज कर सकते हैं। रोजमर्रा के कामों में कैसा रहता है ये टीवी, जैसे ईमेल्स पढ़ना या गूगल क्रोम पे ब्लॉग पढ़ना या फिर वेबसाइट्स बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, कोडिंग करना। आप लोगों से मैंने एक महीने पहले पूछा था कि क्या मैं टीवी को अपने मॉनिटर की तरह यूज करूं, तो पता चले कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब कहा तो मैंने था कि एक वीक का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन फिर खिंचते खिंचते वो एक महीने का हो गया, और मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो मैं भी उसे महीने भर तक यूज करता रहा। लेकिन मैं अब आपको शुरू से स्टोरी सुनाता हूं। मैंने जिस दिन पहले दिन टीवी कनेक्ट किया इस मॉनिटर में, शाम हो चुकी थी, मैं थक चुका था। जब आप थके हुए हो ना तो काम नहीं करने चाहिए, वरना उल्टी सीधी चीजें ही होती हैं। मैंने इसे कनेक्ट किया, ये 30 हर्ट्ज पे चल रहा था, ठीक है, अपने आप ही 30 हर्ट्ज पे चलने लगा। मैंने कुछ चेक नहीं किया, सब कुछ अटक अटक के चल रहा है। गेमिंग मैंने करने की कोशिश करी, डूम ही चला लिया, जोड़ते ही 30 हर्ट्ज पे चल रहा है ये टीवी और डूम चला लिया। बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा था, माउस के कर्सर घुमाने में भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा था। मैंने कहा ये गंदा चीप टीवी है, वू कंपनी का है, सस्ता सा लिया था, इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ये बेकार है। लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा दिमाग मारते हैं, फिर मैंने कहा कि शायद इसका जो पोर्ट है ना वो 4K 30 हर्ट्ज ही सपोर्ट कर सकता, 60 नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सस्ता टीवी है, ठीक है। अब टीवी पे ब्लेमिंग कर दी, जब थक जाता हूं काम नहीं होता है तो फिर मैं ब्लेमिंग करना शुरू करता हूं, ये गलत है वो गलत है। फिर यार टीवी के पीछे देखा तो 4K 60 हर्ट्ज मोटा मोटा लिखा हुआ। उनने कहा तुम में अकल नहीं है कि ये HDMI 1.A 1.B ऐसा कुछ लिख देंगे, तुम समझ नहीं पाओगे। हमने सीधे लिख दिया है कि 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, टीवी के पीछे लिखा हुआ बकायदा। फिर मैंने कहा केबल की गलती है, जो HDMI केबल मैं यूज कर रहा हूं कहीं से मैंने सस्ती निकाल ली होगी और वो प्रॉब्लम कर रही है, वो डाटा नहीं कैरी कर सकती 4K 60 हर्ट्ज वाला। केबल देखी तो केबल पे भी साफ साफ लिखा हुआ था हाई स्पीड HDMI केबल केबल की भी गलती नहीं। मैंने कहा अब किसकी गलती हो सकती है, किसे ब्लेम करूं मैं। फिर मैंने ब्लेम कर दिया ग्राफिक कार्ड को मैंने ब्लेम कर दिया। ग्राफिक कार्ड इतने तगड़े होते हैं, महंगे होते हैं, इसीलिए आपको हर तरह के उस पर पोर्ट दिए जाते हैं। लेकिन भाई ने उसे भी ब्लेम कर दिया। मैंने कहा ग्राफिक कार्ड के अंदर जो पोर्ट होगा ना, मुझे HDMI यूज करना पड़ रहा है, डिस्प्ले पोर्ट सबसे फास्ट होता है, मैं डिस्प्ले पोर्ट यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने कहा जो HDMI इसमें होगा वो पुराना होगा, पुरानी वो 4K 60 हर्ट्ज भेज नहीं सकता, वो तो और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमें तो ब्लेम करना है, ब्लेम कर दिया। फिर पता चला इनमें से किसी चीज की गलती नहीं थी, गलती बस इतनी सी थी कि मॉनिटर्स जो होते हैं वो तो अपने आप ही 60 हर्ट्ज पकड़ लेते हैं, जो उनका रिफ्रेश रेट होता है वो पकड़ लेते हैं, ये नहीं पकड़ पाया। ये मुझे जाके सेट करना पड़ेगा इसका रिफ्रेश रेट विंडोज में, उसको चेंज करके 30 से 60 करना पड़ेगा। ये मैंने कभी किया तो है नहीं, नॉर्मल मॉनिटर में करना नहीं पड़ता। ये मैंने किया कब था, कभी जरूरत पड़ी थी, जब मैं आपको वो LG का 22MP68VQ मॉनिटर बताता हूं जिसमें फ्रीसिंग को ऑन कर लो तो वो 75 हर्ट्ज पे चलने लगता है, तो उसको भी आपको 75 हर्ट्ज जाके विंडोज में करना पड़ता है, खुद से नहीं चलेगा वो। और जैसे ही मैंने 60 हर्ट्ज किया इस पे, ये मक्खन हो गया। फिर इस पे गेमिंग भी बढ़िया हो रही थी और उस पे ये जो रोजमर्रा के काम होते हैं, एडिटिंग वगैरह, ब्लॉगिंग वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, थोड़ा सा मुझे अभी भी लैग दिखाई दे रहा था, मुझे लग रहा था कि इसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आपका टीवी बना होता है इमेज प्रोसेसिंग करने के लिए, इसमें जो भी इमेज आती है ये उसे प्रोसेस करता है और खूबसूरत करके दिखाता है, उस प्रोसेसिंग में लगता है टाइम। और मेरा कहना था कि तुम कुछ प्रोसेसिंग मत करो, वो काम तुम बस करो मॉनिटर वाला, जो कंप्यूटर से निकल रहा है चुपचाप वो दिखाओ, तुम कोई प्रोसेसिंग मत करो, प्रॉमिसिंग निकल रहा है मेरे मुंह से पता नहीं क्यों। तो मैंने उसमें जो है गेम मोड ऑन कर लिया। अगर जो है आपको ये टीवी जो है मॉनिटर की तरह चलाना है तो उसमें गेम मोड ऑन मत करो, गेम मोड ऑन कर लो आप। गेम मोड से वो समझ जाता है टीवी के भैया मुझे कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है,
जो निकल रहा है कंप्यूटर से वही दिखाना है। उससे काफी चीजें सुधर गई। जैसे मैंने इस टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करना शुरू किया तो मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी, मुझे इसे रिमोट से ऑन या ऑफ करना पड़ता था बार बार। ये मॉनिटर में प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है, मॉनिटर तो आप जानते हो कंप्यूटर बंद किया तो बंद हो जाता है, कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन हो जाता है, मुझे इसे ऑन ऑफ करना पड़ा। ऑल्दो इन टीवीज में ऑप्शन होता है कि HDMI डिवाइसेस से या तो ये कंट्रोल कर सकते हैं HDMI डिवाइसेस को या फिर खुद भी कंट्रोल हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर फीचर होना चाहिए था कि कंप्यूटर बंद होता है ये टीवी बंद हो जाए, लेकिन इसमें नहीं हुआ। खैर मैंने वू कंपनी को जो है ईमेल तो भेजी है, देखते हैं उसका जवाब कब आता है। दूसरी एक प्रॉब्लम आप हमेशा सुनोगे टीवी के साथ अगर आप एज अ मॉनिटर यूज करते हो कि पिक्सल डेंसिटी लो होती है। वो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि टीवी दूर रखा होता है। अब आप ऐसा समझो कि इतना बड़ा टीवी है उसके अंदर जो जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पिक्सल्स इतने बड़े मॉनिटर पे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मॉनिटर की पिक्सल डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी और टीवी की कम होगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, टीवी दूर रखे होते हैं मॉनिटर पास होते हैं इसलिए हमें मॉनिटर पे शार्पनेस चाहिए होती है इसलिए पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। खैर वो प्रॉब्लम मुझे तो नहीं फेस करनी पड़ी, मुझे कोई ब्लॉकीनेस दिखाई नहीं दी। और मैं तो ये तब बात कह रहा हूं जब मैं टीवी के काफी पास बैठा हुआ था। नॉर्मली इस 55 इंच के टीवी से मुझे 4 से 5 फीट दूरी पे होना चाहिए अगर मुझे इसे सही से एंजॉय करना है। वैसे अगर टीवी की तरह एंजॉय करना है तो कम से कम 6 फीट दूर होना चाहिए 55 इंच के टीवी को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ 3 फीट की दूरी पे था। अगर ये 4 फीट की दूरी होती ना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता, मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन 3 फीट की दूरी से मैं देख रहा था ना मुझे कोई ब्लॉकीनेस नहीं दिखाई दी, ना मुझे टेक्स्ट में दिखाई दी ना मुझे पिक्चर क्वालिटी में दिखाई दी। क्योंकि आप मानो 4 साल पहले जो टीवी आया करते थे वो इतने अच्छे नहीं थे, उनमें सही में प्रॉब्लम्स थी और वो बहुत ज्यादा महंगे थे तो उनको जस्टिफाई कर पाना प्रॉब्लमेटिक था। अब टीवी सही में बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये कोई IPS OLED पैनल नहीं है, ये एक नॉर्मल VA पैनल ही है तो भी इसमें पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा मैं इसे यूज कर रहा था ना एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी, क्योंकि ये इतना बड़ा टीवी है इतना ऊपर नीचे भी देखो और यहाँ अगल बगल भी देखो, क्योंकि आप बहुत दूर तो बैठे नहीं हो, टीवी तो आप दूर से बैठ के देखते हो और ज्यादातर चीजें क्या होती हैं सेंटर में होती हैं। अब ये मैं ऐसा यूज कर रहा हूं मॉनिटर, इस पर डेस्कटॉप तो मुझे कोनों में भी देखना है, जैसे कि अगर मुझे कुछ कैंसिल करना है तो विंडोज का जो कट का ऑप्शन होता है वो इस कोने में होता है, विंडोज स्टार्ट का ऑप्शन जो होता है वो यहां पर होता है, टाइम वगैरह देखना है तो वो इस कोने में होता है, तो यूं करके आंखें घुमाना मतलब सही में यार गर्दन में भी दर्द हो जाता है। और कई बार क्या होता है ज्यादातर जो टेक्स्ट आप पढ़ते हो ब्लॉग पढ़ते हो ईमेल पढ़ते हो वो लेफ्ट साइड में आपके लगा होता है, तो ये इतनी बड़ी स्क्रीन है कि मुझे हर समय ऐसे करके देखना पड़ता है लेफ्ट साइड में, तो ये भी गर्दन में दर्द कर सकती है चीजें। और यहां पर एक बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये हाइट में भी इतना ऊंचा है क्योंकि मुझे ऑप्शन तो मिल रहा नहीं है कि टेबल पे मैं कितनी ऊंचाई पर रखूं, मॉनिटर होता है इतने साइज का तो मैं उसे ऊपर नीचे कर सकता था, ये तो टीवी है ये तो सीधा टेबल पर रख गया, कोई हाइट एडजस्टमेंट तो मिली नहीं मुझे, तो क्या होता है कई चीजें बहुत ऊपर हो गई हैं। तो आप जानते हो आप रोबोट तो नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आप रोबोट नहीं हो, तो आप ऐसे ऐसे करके तो नजरें चलाते नहीं हो, आपकी अगर बॉडी हो सकती है तो आंखें जो है पहले यूं चलती हैं जिससे कि आपकी बॉडी को ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, अगर इधर देखना है तो इधर देख लेंगे, ज्यादा मुड़ना पड़ेगा तो आपकी गर्दन मुड़ती है। अब क्या है अगर आप आंखों से देख सकते हो ना ऊपर तो आप ऐसे ही देखोगे बजाय ऐसे करने के, तो उससे क्या होता है ये आंखें ऐसे से चलाने से सर में भी दर्द हो सकता है। दूसरा मैं आपको बता ही रहा हूं कि आंखें इधर उधर ऐसे ऐसे चलानी पड़ती हैं जब टीवी इतना पास आपके रखा होता है, माउस का भी यही है, जैसे मॉनिटर पे तो इतना सा होता है माउस तो इधर से उधर पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होती, यहां तो माउस यहां से लेकर यहां तक चलता हुआ दिखाई देता है। चलो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि गेमिंग इस पे IG कैसी है, बाकी काम तो तुमने कर ही लिए हैं और सही बताऊं सारे काम कर लिए हैं मैंने, एडिटिंग से लेकर सारे ब्लॉग पढ़ने से लेकर सब किए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं आपको गेमिंग के बारे में बताता हूं। देखो इतनी बड़ी स्क्रीन का जो फायदा होता है, जो ये एक्सपेरिमेंट सारा किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि आपको 55 इंच की स्क्रीन मिल रही है, मजा ही आ जाता है, इमर्जन का लेवल ही कुछ और होता है, इतनी डिटेल्स दिखाई देती हैं, सही में आप भूल जाओगे कि आप कमरे में हो या गेम की दुनिया में हो, अल्टीमेट इमर्जन है। लेकिन गेमिंग में एक सबसे ज्यादा आप प्रॉब्लम सुनोगे, जो दो मेन प्रॉब्लम आती है, एक तो है रेस्पॉन्स टाइम और दूसरा है इनपुट लैग। इनपुट लैग में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, आपको प्रॉब्लम होगी तो कहां होगी, जब आप डूम जैसे गेम खेलोगे पबजी जैसे गेम खेलोगे या फिर बैटल रॉयल जो भी कोई भी आप खेलते हो या फिर FPS जिसमें हाई फ्रेम रेट की जरूरत होती है जैसे CS:GO हो गया, उसमें आपको पक्का प्रॉब्लम होगी। गेम मोड में भी ऑन कर लोगे आप, गेम मोड में भी ऑन कर लोगे आप तो भी वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग करता है टीवी। और आप याद रखो मॉनिटर तब भी आपका जैसे कई TN पैनल्स होते हैं जो फास्ट रिफ्रेश रेट वाले आते हैं वो 1 मिली सेकेंड के होते हैं,
वरना नॉर्मल 60 हर्ट्स वाले जो आईपीएस पैनल हम यूज करते हैं मॉनिटर्स, वो 8 से 10 मिलीसेकंड या 5 के ऊपर तो होते ही होते हैं, तो उनमें भी इनपुट लैग होता है। साथ में ये टीवी है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 25-30 ऐसे इतना मिलीसेकंड का जो है इनपुट लैग। वैसे ह्यूमन का भी इनपुट लैग होता है, वो भी जोड़ लो 250-250 मिलीसेकंड का ह्यूमन का भी होता है, तो उसको हटा के ही मैं बात कर रहा हूं, तो 25-30 का मिलीसेकंड का मुझे इनपुट लैग देखने को मिला। ओवरऑल नंबरों में आप मत जाओ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं था। और भाई साहब प्रोडक्टिविटी की आप बात करो ना, तो वीडियो एडिटिंग में तो यार सही में मजे आ गए। इतनी बड़ी आपको रियल एस्टेट मिलती है, सही में मजे आ गए। 125 की स्केलिंग मैंने सेट करी थी, वरना नॉर्मल 4K मॉनिटर में मुझे 150 की स्केलिंग सेट करनी पड़ती है। अब मेरी बहुत सारी चीजें उस एक ही मॉनिटर पे आ सकती हैं। लिटरली बता रहा हूँ, एडिटिंग के जो जलवे थे इतना मजा आया। और अगर आप वर्ड फाइल जैसे पढ़ते हो ना, तो आप एक एक वर्ड फाइल पढ़ते होगे। मैं नॉर्मल 4K मॉनिटर पे 2 वर्ड फाइल पढ़ा करता था एक साथ, इस पे मैं 3 तक कर लेता हूँ। मुझे सही में बहुत कुछ दिखाई दे रहा होता, एक साथ समझ में आ जाता है। 3 तो मैं नॉर्मली रखता हूँ पन्ने जो है एक साथ वर्ड फाइल के खुले करने को, मैं उन्हें 6 पन्नों में भी कर सकता हूं और सब कुछ पढ़ने में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। उससे यार सही में बहुत फायदा होता है। पूरा जो अगर वर्ड फाइल है, अगर एक एक पन्ना आप पढ़ो ना, तो पूरी पिक्चर समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। एक साथ 6 के 6 पन्ने आपको दिखाई देते हैं ना, तो क्या टेक्स्ट लिखा हुआ था, कहानी क्या है पूरी, वो ज्यादा समझ में आती है। और भाई साहब जो सबसे मजा आता है इस तरह के बड़े बड़े अगर आप मॉनिटर्स रखते हो, या मल्टी विंडो सेटअप कर सकते हो, यानी कि नॉर्मल मॉनिटर पे आज तक मैं 1080p पे तो मैंने कमी किया है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत छोटा होता है। उस पर मल्टी विंडो और कर लोगे आप, एक साथ 2 विंडो खोल लोगे तो वो और दिखाई देना कम बंद हो जाता है, लेकिन उस पर भी कर सकते हो आप, करने वाले करते ही हैं। 4K पे मैं नॉर्मली करता हूँ, 2 विंडोज खोलता हूँ अगल बगल, जैसे मान लो एक वर्ड फाइल खुली हुई है और एक क्रोम खुला हुआ, अगल बगल खुले हुए हैं। लेकिन इस मॉनिटर पे मैं 4 आराम से विंडोज खोल सकता हूँ। आप एक सेकंड मेरी बात सुनो, ये 4K टीवी है 55 इंच का, अगर मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड कर दिया तो मेरी एक एक विंडो जो है 1080p की 27 इंच के मॉनिटर के बराबर है। 55 का आप आधा कर लो, करीबन 27 होता, तो एक एक विंडो जो है वो 27 इंच का जो मॉनिटर होता है 1080p का, रेजोल्यूशन भी 1080p, उसके बराबर की विंडो है। यानी कि मैं 4 विंडोज आराम से खोल के बहुत बढ़िया काम कर सकता हूं। 2 क्रोम के मैंने विंडोज खोल दी कि मुझे टैब भी नहीं करना पड़े, मुझे माउस तो अब लगाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ ऐसे ऐसे विंडोज को देखना है। साथ में एक वर्ड फाइल खुली हुई है, उसकी भी विंडो खुली हुई है, साथ में कुछ और आप खोलो, विंडोज एक्सप्लोरर खोल लो, ये चारों एक साथ खुले हुए हैं। और अगर आपको बात समझ में ना आ रही हो ना, तो मैं आपको बता दूं, सबने लैपटॉप यूज किए हैं, सब ये बात जानते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई। आप एक विंडो से दूसरे विंडो पे जा सकते हो, लेकिन एक साथ जब 4 विंडो खुली होती है ना, तो सही में बहुत कुछ समझ में आता है। और अगर आप वो वाले काम कर रहे हो जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह वाले, और आपको बहुत सारी विंडोज खोलनी है, तो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है टीवी। आप, मैं तो 4 विंडोज का कह रहा हूं, आप 720p की 6-7-8 विंडोज खोल लो, आप स्टॉक मार्केट का पूरा एक ही बार में पिक्चर ले सकते हो। इनपुट लैग की तो मैं आपसे बात कर रहा था, साथ में रेस्पॉन्स टाइम की भी प्रॉब्लम की बात होती है। रेस्पॉन्स टाइम क्या, इनपुट लैग तो आप जानते ही हो कि मैंने माउस पे क्लिक किया तो कितनी देर में जो है यहाँ पे मुझे गेम में कैरेक्टर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो प्रॉब्लम मुझे ज्यादा लगी नहीं। साथ में रेस्पॉन्स टाइम की आप बात करो कि क्या होता है, जो पिक्सल्स होते हैं ना, वो कलर कितनी जल्दी चेंज करते हैं, क्या होता है मॉनिटर्स में, तो वो अच्छे मॉनिटर्स में तेजी से चेंज करते हैं, लेकिन इस तरह के पैनल, ये VA पैनल है, कंपनियां जो हैं, एक मैं VA पैनल पे बात चली है, जो सस्ते टीवी है जैसे वू कंपनी हो गई है और कोडेक वगैरह के भी टीवी आने लगे हैं, ये सब लोग आपको कभी नहीं बताएंगे अपने स्पेक्स पेज पे कि कौन सा पैनल है। ऐसे छुपाते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लिया है इनसे, भाई बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि VA पैनल है कि IPS पैनल है, आपको स्पेक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि VA है कि IPS है। वहां क्या लिखा होता है पैनल टाइप में, A+ ग्रेड पैनल है, वो तो ठीक है भाई, वो किसने पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि IPS है कि VA है। खैर नॉर्मली ये VA होते हैं, वो लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल सारी जनता ये जानती है कि IPS बेटर होता है VA से, तो फिर वो खरीदना ना बंद कर दें, वो सोचने ना लगें, तो कंपनियां चाहती हैं क्योंकि वो सोचें ना, खरीद लें, इसलिए उन्हें बताओ ही मत कि ये VA है कि IPS है। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं कि VA पैनल्स हैं। इसका एक टेस्ट भी होता है, अगर आप करना चाहते हो कि VA पैनल है कि नहीं है, आप इसकी स्क्रीन पे उंगली लगाओगे ना तो वो ब्लैक मार्क छोड़ने लगेगा, उसका मतलब ये है कि VA पैनल है। लेकिन VA पैनल की जो प्रॉब्लम होती है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा नहीं होता। मॉनिटर में अगर VA पैनल आता है तो उसमें ओवरड्राइव भी आती है जो उसके रिस्पॉन्स टाइम को तेज कर देती है। टीवी में ऐसा कुछ नहीं होता है,
खासकर सस्ते वाले टीवीज में, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम और कम हो जाता है और इसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसकी नाम है घोस्टिंग। वैसे अगर गेम्स की आप बात कर रहे हो तो किस तरह के गेम्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, मैंने ये आपको बताया कि अगर हाई FPS गेम्स खेलते हो तो उतना अच्छा नहीं रहेगा एक्सपीरियंस, इनपुट लैग की भी प्रॉब्लम है और रेस्पॉन्स टाइम की भी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो ना, FPS गेम्स की जैसे ही बात होती है तो फिर जितना बड़ा हार्डवेयर खरीदो उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो जैसे कि बैनर सागा हो गया, वो तो एक ये टर्न बेस्ड स्ट्रेटजी गेम है, उसमें कोई ज्यादा तेजी से पिक्चर तो हिल नहीं रही है, तो वो बहुत बढ़िया है, वो तो बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा RPG गेम्स की आप बात कर लो, जैसे GTA 5, Assassin's Creed, Witcher 3 वगैरह वगैरह और Red Dead Redemption 2 वगैरह, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा। लेकिन अब मैं ये बात बताना चाहूंगा, यहां पे आप गौर से सुनना, ये जो मैं सारी अंग्रेजी पढ़ रहा हूं ना कि 55 इंच का TV यूज कर लो एज अ मॉनिटर, बड़े मजे आते हैं, ये गेमिंग की अगर आप बात करते हो तो आपको अच्छा तभी लगेगा जब आपके पास हाईफाई हार्डवेयर हो, यानी कि 4K पे हाई सेटिंग्स पे गेम चलाने लायक आपका हार्डवेयर हो, उससे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर नहीं हुआ, एक तो आप ये 55 इंच पे चला रहे हो, अगर आपने 1080p पे चलाया तो वैसे ही आपका गेम जो है बहुत ही बुरा दिखेगा, वो जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतना शार्प दिखेगा, फिर आपने 1080p वही 4K स्क्रीन पे इतनी बड़ी पे चला रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाएगा, बहुत ब्लरी नजर आएगा। दूसरा क्या है, अगर आप सेटिंग्स लो रखोगे तो भी आपको गेम बहुत गंदा नजर आएगा। ये क्यों गंदा नजर आ रहा है जी, आप टीवी के इतना पास बैठे हुए हो कि पहले वो जो मॉनिटर दूर हुआ करता था उसमें छोटी छोटी आपको चीजें नहीं दिखाई देती थी, अब वो सारी चीजें बहुत पास आ गई हैं। अब आप घास भी देख सकते हो कि यार घास की क्वालिटी बड़ी खराब आ रही है, वो तभी घास की क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी जब वो हाई सेटिंग्स पे चल रहा होगा। तो हार्डवेयर आपको इसमें जरूर 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 हाई चाहिए, छोटे गेमों में प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैं बैनर सागा का नाम ले रहा हूं, लेकिन अगर आप RPG गेम्स खेलते हो जैसे GTA 5 हो गया या फिर ये Red Dead Redemption 2 हो गया, तो आपको इमर्जन तो मिलेगा क्योंकि आप बहुत पास आ गए हो कैरेक्टर के, लेकिन फिर आपको दिक्कतें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, उससे आपका थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो हाईफाई हार्डवेयर पे चला रहा हूं तो मैं तो सेटिंग्स भी ऊंची रख सकता हूं और 4K रेजोल्यूशन पे भी रख सकता हूं, तो मेरा इमर्जन का लेवल अल्टीमेट था। और एक मजे की बात मैं बताना भूल ही गया, ये मैं एज अ मॉनिटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप याद रखो ये टीवी है और एंड्रॉइड टीवी है, यानी कि मैं 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम कर रहा हूं, PC तो अपना मैं चला ही रहा हूं, साथ में एंड्रॉइड सिस्टम भी उस पर चल रहा है, तो मैं स्विच कर सकता हूं अपने PC के ऑपरेटिंग सिस्टम से एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। यानी कि मैं आपको बताऊं ये क्यों बात कर रहा हूं, मैं क्या एडिटिंग वगैरह मैं कर रहा था, ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या किया, मुझे YouTube का जो एक्सपीरियंस है वो टीवी वाला ज्यादा पसंद है, मोबाइल पे भी उतना अच्छा नहीं लगता है, डेस्कटॉप पे भी उतना अच्छा नहीं लगता है, जो टीवी है वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि टीवी का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ ये बना हुआ है कि एक बटन दबाने पे चले, ज्यादा फैसले ना करने पड़े कि डबल क्लिक कर करके स्क्रीन बड़ी करनी पड़ रही है, पहले एक बार क्लिक करोगे वीडियो चला लिया, फिर डबल क्लिक करोगे वो बड़ा हो जाए, टीवी में ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो मैं क्या करता था, जैसे एडिटिंग चल रही है तो मैं YouTube लगा लेता था अपना टीवी वाला, मैं PC से सीधे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल गया, रेंडरिंग हो रही है पीछे वीडियो की, मेरे 4K वीडियो की, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे मेरा यूट्यूब चल गया मस्त, और मैं दूर से देख रहा हूं, मैंने कुर्सी पीछे कर ली है, अब मैं बार बार आगे तो नहीं आ सकता कीबोर्ड के पास उसे चेंज करने के लिए, तो मेरे हाथ में तो है रिमोट, तो मैं तो उससे बस सोर्स चेंज कर लेता हूं कि टीवी लगा दिया तो वो टीवी वाला ऑप्शन आने लगा, और फिर मैंने HDMI कर दिया तो डेस्कटॉप चलने लगा, तो मैं रिमोट से ही दूर से देख सकता हूं, तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था ये एंड्रॉइड से PC पे जाने में, PC में एंड्रॉइड पे जाने में। लेकिन यहां पे मैं आप कुछ बातें कहना चाहूंगा आपसे वीडियो के एंड में, एक तो मैं चाहूंगा कि टीवी मेरा अगर टेबल से थोड़ा और पीछे रखा होता, यानी कि अगर मैंने 4 फिट की दूरी मेंटेन कर ली होती तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता। दूसरा एक बात कहूंगा, ये VA पैनल है और हमने चीप टीवी की बात करनी शुरू करी थी, हम OLED की बात नहीं कर रहे हैं जो LG की तरफ से आते हैं और उनका एक्सपीरियंस तो और भी लाजवाब होने वाला है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो आज के टीवी। और दूसरा मैं तो ये 60Hz की बात कर रहा हूँ, जो नए वाले टीवी आ रहे हैं वो तो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट पे आ रहे हैं, वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, 120Hz एक्चुअली में है। और फिर कई लोग सवाल उठाते हैं कि बर्न इन की प्रॉब्लम है OLED में, देखो भाई मैं तो साफ बता रहा हूं, अगर आपका काम धंधा है जैसे एडिटिंग है
और आपको अच्छा लगता है उस पर एडिटिंग करना एक बड़ी स्क्रीन पे, तो फिर धंधे के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी दे दो। और लेकिन मैं आपको इस बात साफ बात बता दूं, कई लोग ऑलरेडी ओलेड यूज कर रहे हैं अब एडिटिंग के लिए, और ऐसा किसी ने खास शिकायत नहीं करी है कि मेरा वो बर्न इन हो जाता है। उसको एक बहुत ही लंबा टाइम चाहिए होता है कि आपको चेंज ना करो। यहां तो आप अगर एक नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह यूज कर रहे हो तो आपका एडिटिंग प्रोग्राम भी चलेगा और आपका गेम भी चलेगा, तो बर्न इन कैसे हो सकता है? बाय द वे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि बर्न इन क्या होता है। बर्न इन ये होता है कि अगर एक ही चीज, जैसे अगर आपका विंडोज का लोगो यहां पर लगातार कई घंटों तक रहेगा तो वो परमानेंटली छप जाएगा आपके ओलेड टीवी पे, फिर आप कुछ और भी लगाओगे ना तो भी वो विंडोज का लोगो आता रहेगा। बर्न इन की एक सिंपलीफाइड वे में मैंने आपको परिभाषा बता दी। तो सवाल ये होगा कि आईजी अगर इतना ही अच्छा लगा है तुम्हें टीवी एज अ मॉनिटर, तो मॉनिटर तो तुम यूज नहीं करोगे, फिर तो ये टीवी इस्तेमाल करोगे। खैर नहीं, मैं तो अपने मॉनिटर पे वापस जाना चाहूंगा। एक तो ये है कि इतना बड़ा टीवी, इसने पूरी जगह घेर ली है टेबल पे यार, कम ऑन। और दूसरा यों करके देखते रहना, मेरा कोई ऐसा इतना बड़ा काम नहीं है कि मुझे चार चार विंडोज खोल के रखनी पड़े। ऑल दो जो मैं काम कर रहा हूं अगर उसमें चार विंडोज हैं तो आसानी होती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई रोजमर्रा में काम नहीं है। नॉर्मली मैं एक ही विंडो खोलता हूं या ज्यादा से ज्यादा दो विंडोज खोलता हूं, तो उस पर मॉनिटर सही काम कर जाता है। दूसरा मॉनिटर की यार मैं हाइट वाइड एडजस्ट कर सकता हूं, इसमें थोड़ी ना कोई घंटा हाइट एडजस्ट हो रही है। और दूसरा मैं साफ बात बताऊं, मेरे पास एक टीवी है यार, तो मैं उसे टीवी की तरह ही इस्तेमाल कर लूं। मेरे पास मॉनिटर भी है तो उसे क्या अलमारी में रखूंगा, उसे मैं एज अ मॉनिटर लगाऊंगा। इस टीवी को जहां रखा हुआ था उसकी प्लेसमेंट बहुत सोच समझ के रखी हुई थी कि आप इसे लेट के या बैठ के देख सको, तो ये जहां इसकी जगह थी अब ये वापस चला जाएगा। कुर्सी पे बैठ के टीवी कौन देखता है, सब लेट की देखते हैं। लेकिन ये बात आई कहां से, आई जी तुम्हारे दिमाग में कि 55 इंच का टीवी जो है अचानक से तुम जागे और के यूज करो? मैं सही बताऊं, मैं बहुत ही जनवरी फरवरी या मार्च के टाइम पे बहुत ज्यादा इंक्लाइंड था कि अब मुझे 27 इंच से भी बड़ा कुछ चाहिए। मुझे चाहिए था, मुझे इस्तेमाल करना था। 27 इंच पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन वो चाहिए था। एलजी के अंदर 43 इंच तक के मॉनिटर आते हैं, लेकिन लाइनस ने उन्हें थोड़ा बेकार सा बताया था तो मेरा थोड़ा सा हट गया दिमाग। और दूसरा कई लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि जितना महंगा है ना उतने मजे नहीं आ रहे। दूसरा टीवीज आजकल अवेलेबल हो चुके हैं, और फ्यूचर में भी मैं आपको बता दूं मैं कोई ना कोई एलजी का, मोस्टली तो एलजी ही है जो इस तरह की बातें करता रहता है कि टीवी को भी गेमिंग टीवी की तरह वो पिच कर रहा है। लाइनस के वीडियो आप देखते ही रहते होंगे, एलजी काफी आगे है मतलब इन सब चीजों में। तो मैं एलजी का ही कोई ओलेड टीवी, ओलेड टेक्नोलॉजी भी वो भी एलजी की है, क्यूलेड सैमसंग की है, तो ओलेड टीवी खरीदने की कोशिश करूंगा फॉर माई मॉनिटर। मैं सीरियसली इसे कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहा जब तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, मैं फॉरन मॉनिटर उसी दिन चेंज कर दूंगा। मैंने तो महीने भर चला लिया भाई, मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और जहां तक मैं जानता हूं आप में से कई लोग इतना बड़ा 55 इंच का तो नहीं लेकिन छोटे टीवी एज अ डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक सस्ता ऑप्शन होता है। टीवी कई बार चाइनीज कंपनी के भी सस्ते मिल जाते हैं, HDMI उसमें इनपुट होता है तो लोग अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। कई लोग आप में से कर रहे हैं, तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अब वीडियो से जाते जाते आप ये पूछो कि आईजी कहना क्या चाह रहे हो, टीवी अच्छा होता है कि मॉनिटर अच्छा होता है, कौन सा इस्तेमाल करें? मैं आपको अपनी कहानी सुनाई दे रहा हूं। जैसे अगर मैं ईमेल पढ़ता हूं तो वो पूरी इतनी बड़ी ईमेल थोड़ी ना पढ़ता हूं, मुझे इतना सा पार्ट पढ़ना है, तो उसके लिए तो 27 इंच का मॉनिटर भी बढ़िया है। और 27 इंच का मॉनिटर मैं ऐसा छोटा बता रहा हूं, छोटा नहीं होता है, 27 इंच भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा मैं इस पे लगातार एडिटिंग ही कर रहा होता तो मुझे थोड़ा सा इस्तेमाल समझ में आता। दूसरा मैं आपको बताऊं कि चार चार विंडो ही खोल रहा होता तो समझ में आता कि हाँ भाई इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये सही में मेरी डेस्क की स्पेस भी बहुत ले रहा है तो मुझे वो भी सोचना पड़ रहा है। और दूसरी बात है, मैं कह रहा हूं मेरे पास मॉनिटर रखा हुआ तो वो लगा रही है इसलिए भी मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन सीरियसली अभी थोड़ा परफेक्शन की कमी है, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बात आ नहीं पा रही थी, वरना कंपनी पागल थोड़ी ना, वो तो आपको दे देती प्रोडक्ट एक बड़ा बना के, वो बात पूरी तरह से आ नहीं पा रही है। गेमिंग में भी थोड़ा सा तो इनपुट लैग फील होता ही है, वो पूरा मजा नहीं आ पाता है। जैसे मैं CS:GO और डूम वगैरह के बारे में तो साफ साफ आपसे कह रहा हूं, स्ट्रेटजी गेम आप मस्त खेल सकते हो, टर्न बेस्ड, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। RPG गेम भी है, अगर आप इतना फैला लेते हो ना तो शार्पनेस की कमी हो जाएगी, वो शार्पनेस आपकी तब भी थोड़ी बहुत आ जाएगी अगर आपके पास सबसे बड़े हार्डवेयर हैं। अगर आप RTX 3070 या उससे बड़े वाले चलाते हो
और आपके पास सीपीयू भी ऐसा है जो 60 हर्ट्ज तक निकाल देता है, तो आप कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनपुट लैग रह ही जाता है। मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं, हमेशा से कहता हुआ आया हूं मैं कि 60 हर्ट्ज पे मैं गेमिंग कर लेता हूं। लेकिन वो आदमी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा टीवी जो हाई रिफ्रेश रेट पे कर चुका है गेमिंग, वो उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दूसरा क्या है, जैसे इस तरह के सस्ते टीवी है ना, कई चीजों में लैग कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि गेम मोड ऑन करने के बावजूद इसमें अंदर प्रोसेसिंग होती है तो सब कुछ नहीं रुक जाता है। अगर ये बिल्कुल ही ऐसा मॉनिटर काम करता तो शायद अच्छा काम कर लेता। और कई चीजें होती हैं जो मॉनिटर पे आती हैं यार, फ्रीसिंग वगैरह होता ही है, ये तो मतलब बात की बातें हैं, इसलिए मैं एंड में कह रहा हूं। लेकिन फ्रीसिंग वगैरह, और आजकल एनवीडिया भी सपोर्ट कर रहा है फ्रीसिंग को, तो ये सब चीजें होती हैं, टेयरिंग रुक जाती है मॉनिटर में, तो वो आपको टीवी पे नहीं मिलती है। लेकिन आप नजर रखो, कोई ना कोई साल दो साल के अंदर बहुत लाजवाब टीवी आने वाले हैं जो आप एज अ मॉनिटर आराम से यूज कर सकते हो, यानी कि एक बहुत बड़ी आपको स्क्रीन मिल गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया के मेरे चैनल में, तो वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टाटा। बैटरी खत्म होने वाली है इसलिए और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं।